डॉक्टर वीना कौशिक, SPC, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी योजनाएं। अब पार्ट थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में दो पार्टों में हमने उसकी दो विभिन्न योजनाओं के बारे में देखा। पहली थी जो उसकी योजना दोआब में कर प्रति, दूसरी योजना हमने देखी दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करना। इस योजना, दोनों ही योजना उचित थी और वो योजनाएं ऐसी नहीं थी जो उससे पहले नहीं हुई हों। हम देखें राजधानी परिवर्तन जो है वो पहले भी हो चुका है। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की और कनिष्क ने प्राचीन काल में पुरुषपुर राजधानी परिवर्तन की और इसी प्रकार बाद के समय में अकबर ने आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन की, लेकिन कहीं पर भी जनता को कष्ट नहीं हुआ और ना ही कोई विद्रोह हुआ। उसका कारण ये था कि शासकों ने जब राजधानी परिवर्तन की तो संपूर्ण जनता को वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले गए। इसके विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी ये दूसरी योजना जो राजधानी परिवर्तन की थी, इसमें उसने संपूर्ण जनता को दिल्ली की को और देवगिरी ले गया। इस कारण से ये योजना असफल हुई और जनता को और राज्य को इससे अत्यधिक हानि पहुंची। अब उसकी तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना थी वो थी तांबे के सिक्के चलाना। वो उसने 1330 में ये योजना प्रारंभ की, अर्थात सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। अब इसके अंतर्गत हम देखें तो मोहम्मद तुगलक के समय चांदी के सिक्के जो थे और तांबे के सिक्के, दोनों जो सिक्के जो थे वो चल रहे थे। चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। सुल्तान ने इसके अतिरिक्त तांबे और पीतल के सिक्के चलाए और उनका मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा, अर्थात जो टंका था वो तांबे और पीतल का भी होने लगा। अब इस योजना के कारण क्या थे कि बर्नी जो लिखता है वो कह कि सुल्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, व्यापार को उन्नत करने के लिए तांबे के सिक्के चलाए। दूसरा इसका प्रमुख कारण था कि चीन में भी इस समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सफलतापूर्वक हो रहा था। ईरान में यद्यपि सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग असफल रहा, लेकिन सांकेतिक मुद्रा भारत के अतिरिक्त अन्य विश्व में अन्य जगह भी चल रही थी। इसके अलावा हम देखें को इसका प्रमुख कारण मोहम्मद बिन तुगलक का नवीन प्रयोग करने में रुचि थी, इस कारण से भी उसने ये योजना चलाई। अब राजधानी में हम देखें राजकोष में भी धन की कमी थी, अतः इन सब कारणों से उसने इस योजना को लागू किया। अब लागू करने के लिए अब उसने कार्य किए कि उसने सुल्तान ने तांबे के सिक्के को कानूनी मुद्रा घोषित उसके द्वारा नहीं की गई और उसने सिक्कों की ढलाई पर सरकारी अधिकार एकाधिकार था वो स्थापित नहीं किया। इस कारण से जनता ने सभी घरों में टकसाल जैसे बन गए और जनता ने भी खूब सिक्के ढालना प्रारंभ किए और धीरे धीरे चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के बनाकर उनको चांदी के मूल्य पर जनता उन सबसे हम देखें राजस्व देने लगी, अन्य कर देने लगी, व्यापार होने लगा, सामान खरीदने लगा। तो इस प्रकार से जो सिक्के जो ढाले गए राज की तरफ से उस पर राजकीय चिन्ह अंकित ना करना एक बड़ी भूल थी, इस कारण से ये योजना असफल हो जाती है। अब इस योजना की समीक्षा के इसके क्या प्रभाव पड़े और ये योजना क्यों असफल हुई, तो सुल्तान ने तांबे के सिक्कों को कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया किंतु उन सिक्कों को पर ढलाई पर या टकसाल पर सरकारी एकाधिकार स्थापित नहीं किया। फलस्वरूप घर घर में टकसाल खुलने लगे, जनता ने लाखों करोड़ों तांबे के सिक्के बना डाले, उन्हीं से वे लगान और अपने अन्य सामान खरीदने लगे, लगान देने लगी और अन्य सामान खरीदने लगी। व्यापार में व्यक्ति सोने चांदी के सिक्के लेता और तांबे के नकली सिक्के देने लगा। विदेशी व्यापारियों ने इन नकली सिक्कों को लेने से इनकार कर दिया जिससे व्यापार को धक्का लगा। इस प्रकार से ये योजना असफल हो गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक को जब इसकी पता लगा तो उसने अपने
शाही खजाने से तांबे के सिक्के के बदले में सोने चांदी के सिक्के जनता को बदले में देना प्रारंभ कर दिया। इससे राजकोष में तांबे के सिक्के का ढेर लग गया। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने जो ये योजना जो लागू की गई थी ये उस समय के अनुकूल थी और प्रजा और उसके अधिकारी इस योजना को नहीं समझ सके। दूसरा, उसके द्वारा राजकीय चिन्ह अंकित ना करना एक बड़ी भूल थी, इस कारण से यह योजना असफल हुई। अब इस योजना की असफलता पर उसके आर्थिक स्थिति पर, राज्य की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई और विदेशी व्यापार नष्ट हो गया और सुल्तान की प्रतिष्ठा थी वो समाप्त हो गई। धन्यवाद।